हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। इट्स कपिल सर, योर इंग्लिश टीचर। हाउ आर यू ऑल? आई एम एक्सेलेंट हियर एंड होप यू द सेम। अनुभव प्लेटफॉर्म पे, अनुभव कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का, दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपको। जैसा मैं अपने नोटिफिकेशन के जरिए या मेरे मोटिवेशनल वीडियोज़ के जरिए अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अनुभव प्लेटफॉर्म में जो हम ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रोसेस शुरू करने वाले हैं, वहाँ पर एज एन इंग्लिश फैकल्टी मैं वहाँ अपना जो आपको ऑनलाइन क्लासेस है वो प्रोवाइड करवाऊँगा। अभी तक इंग्लिश हमने जो पढ़ी है वो पढ़ी है कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में बैठते हैं, और एग्ज़ाम में बैठने के बाद में उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं। लेकिन मैं जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ वो इंग्लिश है आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में काम में आने वाली, जिसे आप कभी भूलो ना, वास्तव में समझो कि ये क्या चीज़ है। 9th, 10th, 11th, 12th के जितने भी स्टूडेंट्स ये चीज़ पढ़ेंगे तो आने वाले कॉम्पिटिटिव एरिया में, कॉम्पिटिशन्स में जब भी बैठेंगे तो उन्हें वो सारे ट्रिक्स, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सारे इंग्लिश की छोटी छोटी चीज़ें, वो सब कुछ माथे में, उनके सिर में, उनके माइंड में बिल्कुल इस तरीके से फिट रहेंगी कि उन्हें कंपटीशन की तैयारी करने के लिए इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पर्टिकुलरली हम लोग इस तरीके से इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इजी तरीके से और बहुत ट्रिक्स के साथ में, बहुत मज़े लेते हुए हम लोग इंग्लिश शुरू करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस से पहले हमें ये जानना पड़ेगा, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे एट द एंड ऑफ द लेसन यू विल अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेंसेस, बेसिक टेंस पैटर्न्स, हाउ द टेंसेस चेंज विद द सब्जेक्ट एंड व्हेन टू यूज डिफरेंट टेंसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले इंग्लिश का इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखती है, इंग्लिश में बेसिक उसके एलिमेंट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पहले आपको ओरली बोर्ड पर लूँ और उसके बाद में पीपीटी के जरिए आपको लेता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। यस, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना लर्न इंग्लिश एज ए लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, देर आर सो मैनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड स्पोकन। संसार में इतनी सारी लैंग्वेजेज जो बोली जाती हैं, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, पूरे संसार में प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि लैंग्वेज होती क्या चीज़ है। लैंग्वेज है आपके व्यूज़ है, आपके विचार हैं, उन्हें ट्रांसफ़र करने का माध्यम है। व्यूज़ विचारों को ट्रांसफ़र करने का माध्यम है, शब्दों को आगे पहुंचाने का माध्यम है, आपके गेस्चर्स, पोस्चर्स, आपके मैसेज को आगे कम्युनिकेट करने का माध्यम है, वो लैंग्वेज है। वो किसी भी भाषा में हो सकती है, लेकिन क्या शब्दों का समूह ही लैंग्वेज है? तो उसके लिए तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं बोलूँ फ्रांस, पेरिस, फिनलैंड, हेलसिंकी, फार्मोसा, ताइपे, भूटान, थिम्पू, ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया, बुल्गारिया, सोफिया, ब्रुंडी, बुजुम्बुरा, कैनेडा, पोटावा, चाट, फोड़ लेनी, मैं तो सारे के सारे शब्दों को एक साथ रख रहा हूँ, लेकिन क्या ये ट्रांसफरेबल है, अंडरस्टेबल है, क्या इसे समझा जा सकता है, सामने वाला बंदा क्या समझ रहा है इसको लेकर के? एक लैंग्वेज ही तो है, लेकिन सामने वाले बंदे को समझ में आ रही है क्या कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? चलो मैं डिफरेंट दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे समामनाय समामनातः सब व्याख्यातव्य तमीम समामनायम निघंटव इतिया चक्षते, निघंटव अकस्मात
निगमा एमे भवन्ति छन्दोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समाम्नातः निगन्तव्यव संतो निगमनाद निगंटव उच्यन्ते इत्योपमन्यवः अपि वा आह ननादेव स्युः समाहृता भवन्ति यद्वा समाहृता भवन्ति तद्यानेतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोऽपि सर्गनिपाताश्च तानि मानि भवन्ति तत्रैः तन्नामाख्यातयोर्लक्षणं प्रदिशन्ति। पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर, मैंने शब्दों के समूह को ट्रांसफ़र कर दिया। हर भाषा का अपना अपना एक पैटर्न है, तो भाषाविद भाषा का जानकार ही उस शब्दों के समूह को समझ पाएगा, सामने वाला होगा तो ही समझ पाएगा। जैसे अभी मैंने पहले स्टार्ट किया पूरे वर्ड को, उसकी कैपिटल्स वगैरह को ले लिया, सेकंड एग्जांपल दिया संस्कृत के अंदर मैंने निरुक्त निघंटु। अब जिसने निरुक्त पढ़ा होगा उसको ही तो पता है कि वो क्या बोल रहा है। तो अंडरस्टैंड करने में, कम्युनिकेट करने में, आप जो शब्दों का समूह कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड अ लैंग्वेज। ठीक है, अब हम बात करें कि लैंग्वेज के पार्ट, लैंग्वेज के पार्ट कौन कौन से हैं। तो अपन बात करें सेंटेंस, बात करें क्लॉज, अपन बात करें फ्रेज। क्लियर? फ्रेज, सेंटेंस सभी को पता है सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस का मतलब है कि उसके अंदर सब्जेक्ट हो यानी कर्ता हो, एक वर्ब हो, एक क्रिया हो और एक ऑब्जेक्ट हो, कर्म हो। 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स को इतना तो बहुत अच्छे से पता होता है। सेंटेंस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समुच्चय, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कम्युनिकेट योर मैसेज मस्ट बी अंडरस्टेबल टू अदर्स। ये भी वही मीनिंग रखता है, लैंग्वेज भी अंडरस्टेबल होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो सेंटेंस भी यही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज ये भी एस वी ओ, ये भी एस वी ओ और ये भी एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को वाक्य बोलते हैं, क्लॉज को उपवाक्य बोलते हैं और फ्रेज को वाक्यांश बोलते हैं। लैंग्वेज का मतलब भाषा होती है। अब प्रश्न ये उठता है सर, सेंटेंस भी एस वी ओ और क्लॉज भी एस वी ओ, तो फिर फर्क क्या हुआ साहब, इसको बनाने की क्या जरूरत थी? ये भी एस वी ओ है और सेंटेंस भी एस वी ओ है, तो इनको बनाने की जरूरत यह है या इसको डिफाइन करेंगे जब पता लगेगा कि कितना बड़ा रोल है इसका। सेंटेंस, सेंटेंस की खास बात यह है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मेन क्लॉज में कितने भी हों, इन्हें कितना भी लंबा आगे तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक इसमें फुल स्टॉप नहीं लगेगा तब तक सेंटेंस को आप जितना चाहो उतना लंबा बढ़ा सकते हो। ये वाक्य की परिभाषा है। जैसे अपन माने आई एम कपिल, फिर मैंने लिखा PGT इंग्लिश, फिर लिखा इन ए CBS स्कूल, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो यही कंप्लीट हो गया था, तो सेंटेंस तो यही कंप्लीट हो गया। फिर मैंने लिखा PGT इंग्लिश, तो कौन है ये कपिल? PGT इंग्लिश से रिलेट हो गया। अभी PGT इंग्लिश कहाँ से है? ये CBSE स्कूल का PGT इंग्लिश, यहाँ से रिलेट हो गया। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले होंगे, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स। I am an English teacher who teaches in CBSE। अब ये who जो relative clause है ये subject के लिए relate कर रहा है। कौन भाई? मैं। who कौन? मैं। ये जैसे ही relate कर रहा है तो ये complement करेगा subject को, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा तो कहलाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीट करने वाला। एक तो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्स के जरिए एस वी ओ, और अगर इसमें देखें तो सी छिपा हुआ सी है, क्योंकि हम सेंटेंस को जितना लंबा चाहें उतना लंबा बढ़ा सकते हैं। वो तो हो गया सेंटेंस, लेकिन क्लॉज यानी उपवाक्य के अंदर उपवाक्य जो होता है उसमें सी नहीं होता, इसे बढ़ाया ही नहीं जा सकता। इसमें सेम यही सिचुएशन होती है, सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब होती है, इसलिए इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। और फ्रेज क्या होता है? फ्रेज तो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो, और जरूरी नहीं है वर्ब हो, वर्ब से भी काम चला सकते हैं। जैसे मैंने लिखा गेट आउट, बज ऑफ फ्रॉम माय आईज, दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, सामने वाला दफा भी हो गया। मैंने सिट डाउन, स्टैंड अप, सामने वाला खड़ा हो जाता है, सिट डाउन हो जाता है, कम्युनिकेट हो रहा है, मैसेज समझ में आ रहा है अगले बंदे को, जब भी तो बैठा जब भी खड़ा हुआ। तो फिर क्या चीज़ है भैया, ये भी मीनिंगफुल है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, मीनिंगफुल है सामने वाले को समझ में आ रहा है, ये भी मीनिंगफुल है सामने वाले को समझ में आ रहा है, ये भी मीनिंगफुल है सामने वाले को। लैंग्वेज तो होती ही मीनिंगफुल है, सामने वाले को समझ में आती है, तभी तो लैंग्वेज कहलाती है। इसके हिस्से होते हैं सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज। तो पहली बात तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि लैंग्वेज के हिस्से सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज होता है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? लेट्स सी गाइस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर। बेसिक चीजें इतनी सी हैं, पानी के अंदर समुद्र में छपाके मार रहे हैं, ऐसे थोड़ा डुबकी लगा करके देखो यार, इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी, ठीक है? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। और सर ये तो आता है हमारे को, अफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव होता है, बोलो, नेगेटिव होता है साहब। फिर सर इंटरोगेटिव होता है, सबको रटा हुआ है। इंटरोगेटिव के बाद में सर इंटरोनेगेटिव होता है, इंटरोगेटेड नेगेटिव, ठीक है? फिफ्थ, अब बताओ आगे क्या होता है? आगे होता है इंपेरेटिव, फिर कौन सा होता है? ऑप्टेटिव, फिर एक्स क्ले मे ट्री टी आर वाई, ठीक है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। एफर्मेटिव सकारात्मक, स्वीकारात्मक। इसमें देखो फर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? फर्म। फर्म का मतलब दृढ़ता वाला, कंफर्म कर दिया भैया मेरा, कंफर्म कर दिया, यानी यस एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। कंफर्म कर दिया क्या? हाँ कंफर्म कर दिया, स्वीकार कर लिया, एफर्म कर दिया, मैं एफर्म हूँ इस बात के, फर्म हूँ, यानी सकारात्मक हूँ, पॉजिटिव हूँ, तो इसे पॉजिटिव भी बोलते हैं। नेगेटिव का मतलब नो, नकारात्मक। इंटरोगेटिव का मतलब इंटरोगेशन, प्रश्न पूछना, इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक। इंटरोनेगेटिव, इंटरोगेटेड नेगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्न में भी नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में आईएमपी दिख रहा है क्या आपको? आईएमपी कहाँ पर लगाते हो? आईएमपी ऐसे, जितनी भी हम हमारे जमाने में हमारे सर जो होते थे वो कहते थे एमबीडी पासबुक वगैरह ले लो, संजीव की ये वो ले लो, और वो पासबुक के अंदर से बोलते थे इस पे आईएमपी लगाओ,
इस पे एम मोस्ट आईएमपी लगा दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। इम्पेरेटिव का मीनिंग भी इम्पोर्टेंट ही होता है, इम्पेरेटिव मतलब इम्पोर्टेंट, इसीलिए तो आईएमपी लगा हुआ है। ये लिंकिंग टेक्नोलॉजी है मेरी, मैं वर्ड को ऐसे याद कराता हूँ और इसकी इम्पोर्टेंस भी ऐसे ही है। ये वास्तव में इम्पेरेटिव नहीं है, इम्पोर्टेंट ही है। लाइफ के अंदर ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है क्या? आपके पिताजी आपको ऑर्डर दे रहा है, यस मित्रा, इम्पोर्टेंट है नहीं है? या उनका, उनकी एडवाइस, उनका सब सजेशन इम्पोर्टेंट है या नहीं है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है सर। आपके मम्मी पापा आपको सजेशन दे रहे हैं आपके लिए, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? कोई आपका दोस्त रिक्वेस्ट कर रहा है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? है। कोई ऑफिसर कमांड दे रहा है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? है। अगर नहीं मानोगे तो नौकरी से जाओगे, तो इम्पोर्टेंट ही है भैया वो। इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेज कौन से सेंटेंस होते हैं? आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना। आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना वाले सेंटेंस। अब आज्ञा को अपन क्या क्या लिख सकते हैं? आज्ञा को कमांड लिख सकते हैं, सी ओ डब्ल्यू एम ए एन डी। और क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर लिख सकते हैं। उपदेश को क्या लिख सकते हैं? उपदेश। उपदेश को क्या लिख सकते हैं? उपदेश को लिख सकते हैं अपन एडवाइस या फिर सजेशन, ठीक है। और प्रार्थना को क्या लिख सकते हैं? प्रार्थना को, प्रार्थना को लिख सकते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन भी लिखना है अपन को, एक याद रखना है, इंस्ट्रक्शंस। क्या लिखना है? इंस्ट्रक्शंस, डी आई यू एन एस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस मत भूलिए, इंपेरेटिव का मतलब इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट जीवन में क्या चीजें होती हैं? बड़ों का उपदेश, बड़ों की आज्ञा, बड़ों के इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वो इंपेरेटिव सेंटेंसेज में आते हैं। इस तरीके से आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस को याद करेंगे। अब आइए, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव के सामने इसको हटा देता हूं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखो यहां पर वर्ड देखो, ऑप्ट, ऑप्ट। शायद कभी आपने ऑप्ट नाम सुना हो, और नहीं भी सुना हो तो ऑप्शन तो सुन ही लिया होगा, ओ पी टी आई ओ एन, ऑप्शन। भैया चार ऑप्शन है तेरे पास में, चारों में से कोई से एक पर सेलेक्ट कर ले बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी ऑप्शन का मतलब ऑप्ट करना, स्वीकार करना, ठीक है। यहाँ पर भी ये, तो आप या तो लोगों की भलाई की बात या लोगों की बुराई की बात, दो ही बात कर सकते हो, स्वीकार कर सकते हो। घर में औरतें होती हैं, जैसे मिलती हैं, अड़ोस पड़ोस के अंदर इकट्ठी होती हैं, तो बस दो ही चीज़ करनी आती है उनको, या तो भलाई की बात या बुराई की बात, दो ही चीज़ करती हैं वो ऑप्ट करने ही तो निकलती हैं। बाहर की सारी चीज़ों को ऑप्ट कर लें, इकट्ठा कर लें, इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझ में नहीं आया क्या कह रहा हूँ मैं? अरे दुआ बद्दुआ वाली बातें, आप किसी को दुआ दे रहे हो और आप किसी को बद्दुआ दे रहे हो। दुआ का मतलब ब्लेसिंग्स और बद्दुआ का मतलब कर्स होता है। तो जिन सेंटेंसेस में डब्लस आई एन जी एस, ब्लेसिंग्स या कर्स की बातें छुपी हुई हों, जो सेंटेंस आपको ब्लेसिंग्स की बातें या कर्स की बातें बताए, जिन सेंटेंस में ये भाव छिपा हुआ हो, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और अपन इसको अधिकतर मे से भी यूज करते हैं, जैसे विशिंग वगैरह करें तो मे के साथ में इसका यूज करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव यू एंड फिल ऑल द फॉर्च्यून्स इन योर फ्यूचर, मतलब दुनिया भर की चीज़ें मे लगा दो और भरते जाओ, सभी को ब्लेसिंग्स। और अगर किसी को कर्स करना हो तो मे गॉड गिव यू ए स्लैप ऑल्स, भगवान तेरे जामपट लगाए, मेरे तो बस की नहीं है। तो ब्लेसिंग्स और कर्स, ये सेंटेंसेज ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होते हैं। अब आओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी कभी नाम सुना हो? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं, कभी आपने एक्सक्लेमेटरी सिंबल देखा हो? मैं अभी आपको एक्सक्लेमेटरी सिंबल दिखाता हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सिंबल क्या होता है।
ठीक है, ये बच्चों ये जो मैं जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ उसको आप भी लिखते रहिए, यूँ क्यों स्क्रीनशॉट लेकर के, क्योंकि फिर मैं मिटा दूंगा उसके बाद में, कुछ नहीं है दादा। देखो मैं बताता हूँ बेटा, ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल, ये फुल स्टॉप के नीचे, ये फुल स्टॉप, ये हिंदी वाला पूर्ण विराम है, ये इंग्लिश वाला पूर्ण विराम है, ये अपने आप में ही एक्सक्लेमेटरी है, हिंदी इंग्लिश एक कर दी, ये हिंदी ऊपर लिख दी और उसके नीचे इंग्लिश लगा दी, एक्सक्लेमेटरी हो गए एकदम से, ये सिंबल ही अपने आप में एक्सक्लेमेटरी है, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हैं हम तो इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी बोलते हैं हम हिंदी में, मातृभाषा में बोलेंगे, दोनों को एक नहीं करेंगे, लेकिन इस एक्सक्लेमेटरी सिंबल ने दोनों को एक कर दिया, ये हिंदी कर दी और ये इंग्लिश कर दी, बताओ ये एक्सक्लेमेटरी हुआ नहीं, अचंबा हो गया, अचंबा हिंदी अंग्रेजी एक जगह कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी एक जगह है, अचंबा जिस सेंटेंस में ऐसे देखने से अचंबा हो जाए, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उसमें एरोप्लेन घुस गया बिल्डिंग में, तो आके फटी की फटी रह गई थी कि ऐसे घुस सकता है क्या, ओ ऐसे बोले थे अपन, ओ क्या हो गया, ओ ऐसे, जिस भी वर्ड के सामने ये ऐसे लगा दो वो अपने आप ही अचंबा हो जाता है, क्योंकि ये खुद ही अचंबा है, इसको एक्सक्लेमेटरी वर्ड बोलते हैं, और इन वर्ड्स का जहाँ पर इस्तेमाल हो जाए, हाँ उर्रे फुर्रे जो भी लगाना चाहो लगा दो, जिसके नीचे लगा दो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। तो देर आर 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, भाषा को सीखने के लिए, सेंटेंस को सीखने के लिए 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, और ये 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ये होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव, देन इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब एफर्मेटिव सेंटेंस का अगर अपन देखें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सबको आता है। नेगेटिव का देखें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के प्लस में नॉट लगा देंगे बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं, उसके बाद में मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा होता है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है भैया, उठ करके पहले आ जाती है सब्जेक्ट से, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब ये यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि प्रश्न पूछोगे तो ये लगाना तो जरूरी है ना, ये प्रश्नवाचक सिंबल लगाना जरूरी होता है। प्रश्नवाचक नकारात्मक देखो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अब नोट थोड़ी उठ करके आया था इसलिए नोट इधर आ गया, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आप ऑर्डर से, लेट से, अब ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर दे, जैसे बोला गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट में तो कुछ कहा ही नहीं आपने, तो सीधा वर्ब से ही काम निकाल लिया, या आओ सब चलते हैं एक साथ, लेट्स 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 काम, ऐसे बोलते हो तो लेट्स से भी ऐसे सजेस्टिव होता है, सजेशन दे, लेट्स यार चलो लेट्स प्ले यार, तो ऐसे भी इस इंपेरेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट करो, प्लीज 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 यार, या ना कुड यू प्लीज यार, तो कुड यू प्लीज लगा दिया तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस, सीधी सी बात है। तो जैसे जैसे ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, सजेशंस हो गए, ये सारे के सारे, अब यू मस्ट शुड ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं, यू मस्ट डू, यू शुड गो देयर, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आएंगे जब आपने उसको सजेशन में डाल दिया। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज के अंदर आपने मे का इस्तेमाल किया ही, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये सिंबल ही अपने आप में एक्सक्लेमेटरी है, तो अचंबा उत्पन्न कर देता है। तो आपने देखा सेंटेंसेज और सेंटेंसेज के कितने रूप हैं, कितने प्रकार है सेंटेंसेज के। अब इसको देखते हैं क्लोज की क्या बीमारी है, आज इस क्लोज की बीमारी को खोलते हैं अपन, देंगे आज तक अपन को यही मालूम नहीं है कि है क्या बीमारी, मैं इस बीमारी को अभी इसका उपचार करूंगा, इसमें यहाँ इसका ऑपरेशन करना है। जब तक इंग्लिश का ऑपरेशन नहीं करोगे, हमारे डायरेक्टर सर उनसे मैंने एक चीज सीखी है कि कोई चीज समझ में नहीं आई तो ऑपरेट कर दो, मैं भी ऑपरेट करना सीख गया उनको देख देख करके, तो आज इसको ऑपरेट करते हैं क्लोज। देखो बच्चों अपन को ये मालूम है ये एस वी ओ, अब इसमें सब्जेक्ट भी सिंगल है, वर्ब भी सिंबल है और ऑब्जेक्ट भी सिंबल है, आगे पीछे बढ़ाया घटाया इसको जा नहीं सकता, तो फिर इससे अपन लैंग्वेज कैसे बनाएं, इससे लैंग्वेज बनाने के लिए दूसरा एस वी ओ उठा के लाना पड़ेगा, फिर ये दो बन गए तो कैसे बनाए, फिर तीसरा एस वी ओ उठा के लाना पड़ेगा, ठीक है। अभी उठा उठा के तो लिया है अपन ने, तीन उठा के लिया है, तीन क्लोज, लेकिन तीन क्लोज तो उठा के लिया है, लेकिन इनको
इनको जॉइनिंग वर्ड से ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा ना, इनको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं। इन ज्वाइनिंग वर्ड को कंजंक्शंस बोलते हैं, कंजंक्शन। इस वर्ड में देखो जंक्शन क्या लिखा हुआ है, कंजंक्शन नहीं जंक्शन लिखा हुआ है, जंक्शन। हमारे रेलवे जंक्शन है, रेलवे जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है, रेलवे जंक्शन जहाँ पर वो रेल के जो डब्बे हैं एक साथ जोड़े जाते हैं, रेल जुड़ती है, इंजन जुड़ता है, डब्बा जुड़ता है, इसलिए जंक्चर होता है, जंक्चर उनको जोड़ने का स्थान। ऐसे ही ये जो डब्बे हैं ना, ये सेंटेंस, ये उपवाक्य वाक्य, इनके डब्बों को जोड़ने का काम करता है ये कंजंक्शन, ये भी जंक्शन का ही काम करता है, जंक्शन यानी जोड़ने का काम करता है। SVO, SVO इनको जोड़ने का काम ये कंजंक्शन करता है। ये मान लो सेंटेंस है, ये क्लॉज है, ये सेंटेंस है, इनको जोड़ने का काम ये कंजंक्शन करता है, ठीक है। तो ये क्लॉज जो चैप्टर है, इस क्लॉज चैप्टर के अंदर हम ये नहीं पढ़ते भैया, हम इस क्लॉज चैप्टर के अंदर ये जंक्शन वाला प्रोग्राम पढ़ते हैं, ये जंक्शन का प्रोग्राम। यानी क्लॉज का जो चैप्टर आएगा उसको डेवलप करने के लिए हमें कंजंक्शन को बहुत डीप में जा करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये चैप्टर आपने क्लियर कर लिया, मैं तो अभी इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहा हूँ, जब कंजंक्शन लूँगा ढंग से पढ़ाऊँगा, जब पता लगेगा कि ये कंजंक्शन इतनी बड़ी बीमारी है। अभी तो मैं क्लॉज को इंट्रोडक्टरीली आपको इसका बाइफर्केशन करके इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। कंजंक्शन का ऑपरेशन करने लगेंगे तो बहुत लंबी कहानी है भैया, ठीक है। मेरे को किसी SSC बैंकिंग में पढ़ा रहा था तो उन्होंने कहा सर नाउन को पढ़ा दो, नाउन को इतना लंबा क्यों पढ़ाते हो। मैंने उनको कहा भैया मैं ऑपरेशन करने वाला आदमी हूँ, 38 क्लासेस तो नाउन की लगेंगी। कि सर 38 क्लास के अंदर तुम्हें पूरा SSC बैंकिंग का कोर्स फटवा दूंगा, आप नाउन पढ़ाने की बात कर रहे हो। मैंने कहा भैया फिर वैसा ही टीचर ढूंढ जो नाउन को जो है वो एन फॉर नेम, नेमिंग वर्ड इज नाउन कह के सल्टा देता है, उसी से नाउन पढ़वा लेना, बात करते हैं। तो पढ़ने का जो तरीका है, अगर आप डुबकी लगा लगा करके पैंदे में बॉटम सी के बॉटम में जा करके, और अगर बड़ी वेल मछली बनना चाहते हो तब तो ऐसे इंग्लिश को पढ़ने में मज़ा आएगा आपको, और वैसे इंग्लिश नहीं समझ में आती किसी की, फिर ये टिपिकल हो जाती है और ऊपर से छपा के मारते रह जाओगे और कुछ नहीं है। तो अभी कंजंक्शन क्लॉज में कंजंक्शन का क्या रगड़ा होता है, तो अपन पहले तो अपन ये देखते हैं कि क्लॉज होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, एक तो सिंपल क्लॉज, एक होता है कोऑर्डिनेटिव, एक होता है सबऑर्डिनेटिव, एक सिंपल क्लॉज होता है, एक कोऑर्डिनेटिव क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होता है। सर ये क्या बीमारी है, सिंपल तो सबको समझ में आता है, सिंपली जहाँ पर कोई कंजंक्शन फिट ही नहीं हुआ है वो सिंपल है। अब आ गया कोऑर्डिनेटिव और सबऑर्डिनेटिव क्लॉज की बात करें, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज और सबऑर्डिनेटिव क्लॉज को तो मैं तुम्हारे एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। यहाँ पर लेते हैं साहब, ये JRD टाटा, इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है कार, क्या बनाया है, कार प्रोडक्ट बनाया है। लेकिन इस कार में टायर बनाने वाले अलग है, इंजन बनाने वाले अलग है, बॉडी बनाने वाले अलग है, इलेक्ट्रॉनिक काम इनका अलग है और लाइट वाइट का काम अलग है। 5 कंपनियां करती हैं ये काम, 1, 2, 3, 4 और ये 5 कंपनियां काम करती हैं, और 5 कंपनियों में 5 मैनेजर बैठा दिए JRD टाटा साहब ने, ठीक है। इन JRD टाटा साहब के 5 मैनेजर्स के नीचे इस तरीके से बहुत बड़ा ग्रुप काम कर रहा है, ये मान के चलिए बहुत बड़ा ऐसे ग्रुप सबके नीचे काम कर रहा है। इनको इनसे कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ इनसे ये पूछते हैं साल के अंदर भैया कितना अमाउंट कमाया तुमने, इसके अलावा ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, मुझे इतना डोनेशन देना है, पैसा चाहिए साल भर के अंदर, क्योंकि सबसे डोनेशन देने के मामले में इनसे बेहतरीन कोई आदमी मैंने इंडिया में तो देखा नहीं।
ये सिर्फ इनसे इतनी बात करते हैं, सारा काम करते हैं मैनेजर। मैनेजर जब ये कार बनानी है तो कार के पांच प्रोडक्ट बना रहे हैं ये पांचों मैनेजर, और ये पांचों मैनेजर असेंबल होकर के, या प्रोडक्ट असेंबल होता है जब ये कार बनती है, तो ये पांचों मैनेजर जो हैं वो एक दूसरे से जब डीलिंग करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे को, कोऑर्डिनेट हेल्प करेंगे, कोऑर्डिनेट का मतलब हेल्प करेंगे, ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल अथॉरिटी है, इंडिविजुअल पावर है, ये अपने आप में खुद पावर है, ये अपने आप में खुद पावर है, ये अपने आप में खुद पावर है। तो जब इंडिविजुअल पावर होता है, वो इंडिविजुअल पावर जो है वो इंडिविजुअल पावर से ही बात करता है। तो जब जैसे मान लो ये एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है, ये भी इंडिविजुअल पावर है, ये भी इंडिविजुअल पावर है, तो मान लो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों इंडिविजुअल पावर है, दोनों के पास अपने अपने इंडिविजुअल अथॉरिटी है, तो जो कंजक्शन लगेगा ना वो क्योंकि कोऑर्डिनेट करता है तो इसलिए कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन लगेगा। अभी मैं समझा दूंगा आपको। लेकिन जब ये अधिकारी है, ये मैनेजर है और इसके नीचे इतनी लंबी काम कंपनी काम कर रही है, इन्होंने इनको ऑर्डर दिया, इन्होंने इनको ऑर्डर दिया, इन्होंने इनको ऑर्डर दिया, और फिर ये आया प्लेस के ऊपर धरती पर, तो ये पहुंचा, ये तो आसमान में है, काम तो धरती पर ही होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये सबऑर्डिनेटिव प्रोसेस है, इट मींस ये इंडिपेंडेंट पावर जरूर है, लेकिन ये सारे के सारे लोग अपना ऑर्डर खुद नहीं ले सकते, इनको अपना ऑर्डर लेने के लिए इन तक अप्रोच करनी पड़ेगी, ये इन पर सबऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये डिपेंडेंट है। तो जब दो सेंटेंसेस आपस में रखे जाएं, लेकिन उसमें एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो, दूसरा सेंटेंस उस पर डिपेंडेंट हो, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कैसे होता है। देखो, जैसे मैंने कहा आई एम कपिल, ये एक सेंटेंस बन गया, और शी इज गीता, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, आई एम कपिल और सी इज गीता, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, इसको क्लॉज भी बोल सकते हैं, ये भी क्लॉज है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसको डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा है गीता को, नहीं कर रहा, सी इज गीता ये भी अपने आप, अगर अपन इन दोनों सेंटेंस को एक साथ किसी कंजंक्शन के साथ में जोड़े तो अपन ने लगा यहां पर एंड लगा दिया, आई एम कपिल एंड सी इज गीता, ये भी इंडिपेंडेंट मीनिंग और ये भी इंडिपेंडेंट मीनिंग, तो ये जो एंड कंजक्शन लगाए ये अपने आप में कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसकी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, लेकिन मैंने लिखा आई हेल्प हिम शी वाज इन नीड, आई हेल्प हिम, इसको अपन ने माना ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, लेकिन अपन ने यहां पे लगा दिया बिकॉज, अपन ने यहां पे लगा दिया बिकॉज, आई हेल्प हिम और ये कंजक्शन डाला इसके अंदर बिकॉज, बिकॉज शी वॉज इन नीड, अब जैसे ही बिकॉज लगा तो ये जो सेंटेंस हो गया ये डिपेंडेंट हो गया, आई हेल्प हिम बिकॉज ही वॉज इन नीड, मैंने उसकी मदद करी क्योंकि ही वॉज इन नीड, क्योंकि लगते ही ये जो है ये उसका आंसर बन जाता है, यानी ये सेंटेंस इस पर डिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट था लेकिन ये सेंटेंस पर डिपेंडेंट हो गया इस कंजक्शन के लगते ही, इसलिए इस कंजक्शन को सबऑर्डिनेट कंजक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन बोलेंगे। जैसे मैं कंजक्शन की बात करूं, Although yet no sooner than, as so as between and, less should two to hardly when, so that from to both and, such that the same that rather than, not only but also else but, scarcely when. मैं आपको correlative conjunctions की बात कर रहा था, अब और conjunctions सुनाता हूँ आपको, सारे conjunctions मैंने गाने बना बना करके याद कर रखे हैं, as well as along with and not with together with but in addition to besides
एक्सेप्ट रादर देन लाइक अनलाइक नो लेस देन नथिंग बट अकम्पेंड बाय। देखो कितने मजे से मैं सुना पाता हूँ यहाँ पर इनको, है एज वेल एज अलोंग विद द नॉट विद टूगेदर विद बट इन एडिशन टू बी साइड्स एक्सेप्ट रादर देन लाइक अनलाइक नो लेस देन नथिंग बट अकम्पेंड बाय। चलो दूसरा सुनाता हूँ। Although yet no sooner than as so as between end lest two hardly when saw that from two both end such that the same that rather than not only but also else but scarcely when scarcely when scarcely when scarcely when। दोबारा से सुनाता हूँ। Although yet no sooner than as so as between and lest should two hardly when so that from two both and such that the same that rather than not only but also as but scarcely when scarcely when scarcely when scarcely when। जिंदगी में नहीं भूलोगे, रटना तो पड़ेगा, एक बार फिट करना पड़ता है यहाँ पर, फिर के बाद में आधी रात को भी कोई पूछ लेना। ऑल दो के साथ में क्या आता है बेटा, यट आता है। ऑल दो के साथ यट, नो सुनर देन Scarcely when, ठीक है, hardly ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, as so as between and let to should to hardly when ऐसे बोलो चुटकी में। आते पढ़ते यार कहाँ कॉम्पिटिशन ही कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन में पढ़ाएंगे सर, लिखो जहाँ जिस भी सेंटेंस में आपको hardly नजर आए उस सेंटेंस के साथ में उसका पेयर कॉरिलेटिव क्लॉज के अंदर when होता है, लिखो उसके बाद के अंदर जहां जहां भी जिस सेंटेंस के अंदर आपको नॉट ओनली नजर आए उसका कोरिलेटिव कंजक्शन पेयर बट आल्सो होता है, लिखो आधे घंटे एक घंटे दो घंटे 38 घंटे तो वो सिर्फ ये पेयर लिखाने में लगा देता है, रट लो ना, एक सेकंड का काम है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि हमने देखा सिंपल और कोऑर्डिनेटिव और सबऑर्डिनेटिव कौन जो है। अब ये चीज मैं क्यों पढ़ा रहा हूं मालूम है आपको, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि प्रश्न उठता है सर सिंपल सर सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। MHM की विधि RPSC में फर्स्ट ग्रेड की राजस्थान में तैयारी करते हैं ना स्टूडेंट्स, उनके दिमाग में भी फिट नहीं होता ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बीमारी क्या है। अरे सिंपल है बिल्कुल बेटा, हो जहां जहां कोऑर्डिनेटिव कॉम्प्लेक्स, ये जो कोऑर्डिनेटिव क्लॉज लग रहा है ना ये एंड, या इसी तरीके में जो कोऑर्डिनेटिव क्लोज जहां लग रहा है वो कंपाउंड है, वो सेंटेंस कंपाउंड होता है। और जहां जहां भी सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेटिव क्लोज लग रहा है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इतनी सी बात है, फोन आता है सर हमारे को सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। कहां कहां से फोन करते हैं लड़के, है SSC बैंकिंग सर सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अरे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जहाँ जहाँ अभी कोऑर्डिनेटिव क्लोज लग रहा है वो कंपाउंड है, और जहाँ जहाँ अभी सबऑर्डिनेटिव क्लोज लग रहा है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इतनी सी सिंपल सी चीज़ समुद्र में छपा के मार मार करके आ गए चारों तरफ। एक बार सिंपली तरीके से पढ़ लो तो जिंदगी के अंदर इंग्लिश में छपा के मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर तैरना सीखो, पानी के अंदर तैरना सीखोगे तो इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो हमने बात की सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में 7 फॉर्मेट्स ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटर नेगेटिव देन इंपेरेटिव ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद में अपन ने बात करी कि ये क्लॉज होता है, क्लॉज में क्या चीज़ होती है। तो क्लॉज अपन देखा भाई सिंपल कंपाउंड, ये क्या नाम से कोऑर्डिनेटिव सबऑर्डिनेटिव अपन ने बात करी। कोऑर्डिनेटिव क्लॉज क्या होता है, दोनों इंडिविजुअल सेंटेंसेज होते हैं, दोनों पर इंडिविजुअल पावर होती है, ठीक है, तो उनको एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते, इसलिए क्या है उन पे उनके बीच में जो अपन कंजक्शन फिट करते हैं तो वो सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरा सेंटेंस उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो दूसरा क्लॉज उस पर डिपेंडेंट है, तो जो जो क्लॉज आएगा जो कंजक्शन बीच के अंदर आएगा तो वो वाला प्रोसेस होगा वो सबऑर्डिनेटिव होगा। जहाँ जहाँ भी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन लग रहा है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, और जहाँ जहाँ भी सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन लग रहा है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो पिक्चर क्लियर। अब जब कंजक्शन पढ़ाऊंगा ना उस कंजक्शन के अंदर खोलूंगा
कि पिक्चर क्या होती है, ठीक है। अभी तो मैं क्लॉज पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्लॉज का भी इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद के अंदर बात करते हैं अपन फ्रेज। फ्रेज क्या होती है? अब फ्रेज का मतलब होता है सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब से काम चला लो, वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से काम चला लो, कुछ भी काम चला लो, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, पहली बात तो यह है। दूसरी चीज़, कई बार अपन देखते हैं फ्रेजेस के रूप में अपन देखते हैं तो फ्रेजल वर्ब्स आ जाती हैं, तो वर्ब में फ्रेजल वर्ब्स चल जाती हैं, ठीक है। इन आउट अंडर अपन जैसे लगाते रह जाओ वर्ब्स के अंदर, उनमें अलग अलग मीनिंग निकालते जाओ, तो फ्रेजल वर्ब्स का तो बहुत बड़ा लफड़ा है भैया, इसको रटना पड़ता है फ्रेजल वर्ब्स को, इसको आगे पढ़ाऊंगा। बाकी फ्रेजेस प्रोवर्ब्स वगैरह बनती है, कई यूनिवर्सल चीज़ें होती है, ट्रूथ होते हैं, सारी चीज़ें अपन इंक्लूड कर लेते हैं, उनको फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। मीनिंगफुल होती हैं, वर्ड ग्रुप होता है, तो अपन इस तरीके से लैंग्वेज बनती है। लैंग्वेज में सेंटेंस क्लॉज फ्रेज, और फिर अपन इसे बाइफर्केट किया है। तो इसके बाद में अपन सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, सेंटेंसेस में जो है लैंग्वेज के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, लैंग्वेज में स्पीच है, स्पीच के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, स्पीच पार्ट्स को पढ़ने में कितना लंबा चौड़ा मटेरियल है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो पुनः कपिल शर्मा अनुभव इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस वीडियो को वॉच करें, इसको फैलाएँ, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू, टेक केयर, थैंक यू।